तो एमजी ने अपनी न्यू जनरेशन हेक्टर इंडिया में लॉन्च कर दी है, जिसमें हमको काफ़ी हाईटेक फीचर्स और नए नए अपडेट्स मिलते हैं, जिसका प्राइस रखा गया है 14.7 से 21.7 लाख रुपीज़। वेल, इसी प्राइस के अंदर एक और गाड़ी आती है जो कि इसको काफ़ी कड़ी टक्कर देगी, जो कि है महिंद्रा की XUV 700, जिसमें हमको काफ़ी अच्छे लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील होगी। तो शुरुआत करते हैं इनके डायमेंशन से। तो MG Hector की टोटल लेंथ है 4699 mm, वहीं XUV 700 की टोटल लेंथ है 4695 mm। Hector की हाइट है 1760 mm, तो वहीं XUV 700 की हाइट है 1755 mm, और ऐसे ही Hector की विड्थ है 1835 mm, तो XUV 700 की विड्थ है 1890 mm। बाकी व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का सेम है 2750 mm का। तो डायमेंशंस वाइज वैसे दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर हम नंबर फिगर्स की बात करें तो उसमें MG Hector स्लाइटली, बहुत ही स्लाइटली सी बड़ी है, लेकिन इससे रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कंपेयर करें इन दोनों के इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस को। तो MG Hector में हमको एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 143 हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और दूसरा मिलता है 2 लीटर का डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 170 हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। वहीं दूसरी तरफ XUV 700 में हमको एक मिलता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 197 हॉर्स पावर और 380 Nm का टॉर्क, और दूसरा 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो है 182 हॉर्स पावर और 420 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो भाई, मुझे शायद अब बोलने की जरूरत नहीं है कि पावर वाइज चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल, महिंद्रा XUV 700 क्लियर विनर है, और वो भी काफ़ी बड़े डिफरेंस से। तो अब आते हैं इनके इंटीरियर और एक्सटीरियर पर। तो एक्सटीरियर यानी लुक्स तो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी को Hector की लुक्स पसंद आएगी तो किसी को XUV 700 की। ये आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको किस गाड़ी की लुक्स ज़्यादा पसंद आई है। लेकिन मेन आते हैं इनके इंटीरियर में। तो दोनों के सेंटर में हमको बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन MG Hector में बड़ी 14 इंच की मिलती है, जो कि इसके सेगमेंट की सबसे बड़ी टच स्क्रीन है। एंड हाँ, MG वाले अपने एक नए फीचर को काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं, जो है ऑटो टर्न इंडिकेटर, यानी जिस साइड स्टीयरिंग घूमेगा उस साइड का इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा यूजलेस सही फीचर है, क्योंकि इंडिकेटर गाड़ी टर्न करने से पहले दिया जाता है, जिससे पीछे वाले बंदे पहले से ही अलर्ट हो जाए, न कि तब जब आप अपना स्टीयरिंग काट रहे हो या फिर एकदम से मुड़ने वाले हो। बाकी वैसे दोनों में हमको काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा, स्टीयरिंग माउंटेड एंड क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडास, पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स और फुल पैनोरामिक सनरूफ। तो फीचर्स वाइज दोनों ही गाड़ियाँ बढ़िया है, लेकिन एक दो फीचर्स Hector में ज़्यादा है जो XUV 700 में मिसिंग है, जैसे एम्बिएंट लाइटिंग, पावर टेलगेट एक्सेट्रा। तो अब आते हैं इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी फीचर्स पर। तो दोनों में हमको हिल होल्ड असिस्ट, एडास, ABS, ABD, इमरजेंसी ब्रेकिंग, एयरबैग्स, TPMS, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब लास्ट में आए फाइनल कंक्लूजन पर। तो अगर आप एक टैकी पर्सन हो, यानी फीचर्स का ज़्यादा शौक है और थोड़ी यूनिक सी लुक्स और बढ़िया कंफर्ट चाहिए, तो MG Hector बेटर ऑप्शन रहेगी। लेकिन अगर आप एक ड्राइविंग वाले पर्सन हो और गाड़ी में ज़्यादा पावर और रश चाहिए, तो आपके लिए XUV 700 ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। वैसे दोनों ही गाड़ियाँ नो डाउट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील है। एंड हाँ, XUV 700 का वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू MG Hector, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो भाई, सही था इस वाली वीडियो के लिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, ड्राइव सेफ़।